कई दिन खाना भिजवाने के बाद दोस्तों आज मैंने स्वयं ही राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। निकला अपने घर से, टुम्पी भाटिया हमारे एक मित्र हैं, उनके साथ वो गाड़ी चला रहे हैं और आज का हमारा ये सफर मुझे भी थोड़ा रोमांचक ही लग रहा है। हम लोग पहली बार रुके शास्त्री पार्क के पहले एक पिकेट पर, वहाँ पुलिस खड़ी है और उनसे पूछा हमने कि आप लोग कुछ लोगों को सहायता कर रहे हो, तो कहा हाँ, तो हमने उनको कुछ आटा चावल दाल मसाले ये सब वहाँ पे रखे उनको इस जिम्मेदारी के साथ कि पुलिस इस समय दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा आवंटन कर रही है, तो उसमें थोड़ा योगदान कर दिया। फिर मैं पहुँचता हूँ तीसरा पुश्ता, सरविंदर मिश्रा इंतजार कर रहे हैं। सरविंदर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष का कार्यालय संभालते हैं और उसके अलावा कुछ कार्यकर्ताओं से करवा दी, जैसे पुलिस के कुछ तो कुछ लोग हैं, उनसे कुछ जानकारी लेते हुए वो एक ठेला लेकर आए थे, अच्छा लगा मुझे देखकर। मुंह पर सफेद पट्टी बांधे रोमपी भाटिया है। रोमपी भाटिया एक सदैव समाज के लिए खड़ा होने वाले शख्स है। और फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ अगले पड़ाव के लिए। आनंद जी को दे देते हैं, मनोज जी को दे देते हैं। एक एक आदमी को सहायता पहुंच जाए और जरूरतमंद को पहुंचे। देवेश जी जानकारी देते हैं अगले कार्यक्रम की। पर हम पहुँचते हैं सोनिया बिहार, हमारे मंडल अध्यक्ष अनुपम पांडे और हमारी पार्षद भी खड़ी है सुषमा मिश्रा। सोनिया बिहार से भी काफी राशन की डिमांड थी, अनुपम पांडे और सुषमा मिश्रा ये लोग उसकी पूर्ति भी कर रहे हैं। हम जितने सहायता कर रहे हैं उससे अपने से भी, मतलब 100 केजी आटा 100 केजी चावल दे दी, 100 केजी आटा 50 केजी कुछ बच्चे ऊपर से देखने खड़े हो गए। और अब जिसका जिसका राशन कार्ड नहीं था ना, उसका भी राशन मिलेगा राशन कार्ड से। कुछ लोग आए थे लिखवा, वो लगा दो, दाल दे दो, चीनी दे दो, एक बोरी दे दो, चीनी भी थोड़ा सा, एक 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 बोरी है तो जरूरत पड़ी तो और भी कहीं आप लोग दिखवा लेना। इसको आप लोग हमारे मंडल अध्यक्ष और पार्षद मिलके बांटो और फिर जरूरत पड़ेगी और करेंगे। और फिर हम पहुंचते हैं
परावल नगर खजूरी आनंद त्रिवेदी जी खड़े हैं उस पड़ाव पे। ये है जी रिक्शा, ये भी हमारे रिलीफ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिलीफ आइटम्स फीड द नीडी। एक 50 किलो आटा और एक बोरी चावल। ये वो लोग हैं जिन्हें राशन देते समय में विश्वास रहता है कि एक अनाज का दाना भी बर्बाद नहीं होगा। बहुत लोग को पहुंचा दिया, जो जहां हो उसे लोग हो गया ना? ठीक है आनंद, अब सफर अगली तरफ। देवेश कुछ समझा रहे हैं और अब हम गोकुलपुर जाएंगे। सोनू पहलवान, 100 किलो आटा रख लो और 2 बोरी चावल रख लो, ठीक है? उसके बाद 5-5 किलो के हिसाब से करवा के डिस्ट्रीब्यूट करवाना। 30 मकान, 3 झुग्गियों तो भी हैं, इनको खूब भरपूर सब लोग यही है। मिल रहा तुम्हें राशन? नहीं मिल रहा, मिल रहा मिल रहा। और पीछे भी है 2 झुग्गे जो मैं आपको भेजा था, खूब आपकी उत्साह आशीर्वाद से बेटा ये करवा के इसमें रखवा लो, इसमें रखो। हाँ, इन बातों में ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, लोगों की बात विचार। दो बोरी आटा निकाल दो, दो आटा दो चावल। ये सांसद जी आपको बहुत धन्यवाद है, आप इतनी कृपा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार चुप बैठी है, वो खिचड़ी खिला रही है लोगों को, शायद नहीं पता तुमने आज तक स्कूल में खिचड़ी खाई है? जो खिचड़ी स्कूल में मिलती है खिचड़ी का तो कोई टाइम नहीं, और रिश्ते में लेके आते हैं, भीड़ मिल गई तो बांट देते हैं, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, आज तक नहीं। अच्छी बात है कि हर जगह लोग अपने ऑटो या रिक्शा लेकर के सामान के लिए खड़े थे, जहाँ पहुँचाएंगे जरूरतमंदों को। अभी मैं कर दूंगा आराम से बाद में। ये सारा पता नहीं, सांसद जी मनोज तिवारी जी, नमस्कार जी, उसी दिन से आपको मिल रहा है, थोड़ा दूर दूर रहा है, ला रहा है, थोड़ा दूर दूर हो रहा है, जब जाए रहे थे बहुत की दूर चलो ला रहा ला रहा हूँ, जाओ एक साथ बताया करो, सोल पे चल रहे चलो ला रहा ला रहा हूँ, भाई एक दाल की बोरी निकालो, एक दूर करो, आपस में भी थोड़ा डिस्टेंस बना के खड़ा हुआ करो, इसी में सब। और जब कोई खाने के लिए देता है तो उसका धन्यवाद भी करते हैं। क्या सारा हमारे तेल है क्या? तेल मैंने फोन किया था, वो कह रहे थे आप कहीं से खरीद सकते हो तेल, आप दुकान से मिल जाएगा तेल, दुकान है, और यूँ कह रहे थे फैमिली पाउच आएगा, दोबारा फोन करते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं है, आप जाओ अपने लिए तेल और मसाला खरीद लो, ले लो ले लो। मगर सर कुछ ऐसे सोचो कि हमारे पास तेल नहीं है तो मैंने थोड़ा आता रहेगा, मिल तुम मिल यार, अब जाके खरीद के जल्दी खाओ, बहुत खत्म करो ना, होवे तो बहुत। अब हम पहुंच गए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला कार्यालय, कैलाश जैन जी भी वहीं पे आ चुके हैं, अजय महावर जी भी यही हैं, कई कार्यकर्ता जिनके मार्फत हमें कुछ राशन बंटवाना है। तो हम यही उतरवा दें। सुनो, यहाँ 100 किलो आटा दो और कितना है ना? बहुत है जिसको चाहिए तो 100 किलो आटा दो
और 100 किलो दूसरे जिला 300 किलो और दो दो बोरी चावल ठीक है और एक बोरी दाल ठीक है एक आदमी नीचे आप लोग उसको सब पैकेट बना रहे हैं पैकेट मैंने कुछ लोगों को मास्क भी बांटे क्योंकि सिक्योरिटी में जो लोग खड़े थे प्राइवेट उन्होंने ऐसी डिमांड की तो कुछ तो गमछे में थे और रुमाल में कुछ लोग थे शायद उनके मास्क पुराने हो गए थे मैंने मास्क भी बांटा फिर हमारी टीम के भी लोग जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी लेने लगे एक व्यक्ति साइकिल से आता है मैं ये मास्क दे दूं बिल्कुल ये समय है संकट में सबको साथ देने का फिर कैलाश चंद जैन जी को भी मास्क चाहिए था अब मैं पहुंचता हूं वापस उस्मानपुर जहां राम नरेश परासर जी इंतजार कर रहे हैं और ये हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं दूरी बना बना दो करना अच्छा काम किया ना ना ले जा आ रहा पड़ोसी जो भारी बैठे हैं आ रहा लो पहले पहुंचा होगा अतीक भी खड़े हैं अभी टांग चलाओ अभी देखो हम लोगों ने भाजपा कार्यकर्ता है जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको भी राशन मिलेगा ये लोग राशन का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर रहे हैं सरकार बहुत खराब लगा के बात कर रही है मतलब वही हाल है मतलब पैदा चल रहा है मैं तो इसी में आजकल घूम रहा मैंने पूरा समय आज ट्रक में ही यात्रा करी दोस्तों अलग अलग आ रहा है राम नरेश जी को शायद थोड़ा ज्यादा राशन चाहिए जरूरी भी है अरे ये हमारा आज का अंतिम पड़ाव है और दोस्तों इस लॉकडाउन में छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ी हो सकती है कई लोगों के मन में होगा कि हम अकेले क्या कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं अब हम निकल चुके हैं वापस घर के लिए दोस्तों हम लोग अपनी लोकसभा में राहत कार्य में लगे हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अच्छा लग रहा है